बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण उत्तरी जिला परिषद क्षेत्र से वर्तमान जिला पार्षद विजयंती कुमारी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। औरंगाबाद अनुमंडल कार्यालय में नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के पश्चात बाहर समर्थकों ने फूलमालाओं से लाद दिया। विजयंती कुमारी 2016 में भी इसी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनी गई थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य हुए हैं और पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके जो कार्य बाकी रह गए हैं वे कार्य अगले 5 वर्षीय में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि यह जनता का प्यार और आशीर्वाद ही है कि वे पिछली बार भी 10,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती थी और इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और इससे भी ज़्यादा बड़े अंतर से वे चुनाव जीतेंगी। उन्होंने अपने फंड से हर गांव में कुछ न कुछ काम कराया है और यही कारण है कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जयंती कुमारी जिंदाबाद 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 नेता कैसा हो जयंती कुमारी जैसा हो नेता कैसा हो जयंती कुमारी जैसा हो। जयंती जी, आप पिछले बार भी रहे हैं सदस्य, इस बार किस पद के लिए नामांकन किए हैं? जोर से कहाँ से? अच्छा, क्या काम करेंगे, क्या काम पहले किए और अब आगे क्या काम करेंगे आप? इस तरह पिछली बार मैंने विकास कार्यों में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस तरह इस बार भी मैं अपने क्षेत्र के लिए बहुत विकास कार्य करूंगी। अब क्या आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मैं मतलब जिसका निवारण आप आगे लगातार करेंगे। इस दौरान उनके साथ छात्र नेता शत्रुघ्न कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर संजय यादव, जिला परिषद सदस्य शंकर यादवेंदु, शशिभूषण शर्मा, लंबू मुखिया समेत सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग और समर्थक मौजूद थे। औरंगाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जयंती कुमारी जिंदाबाद 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 नेता कैसा हो जयंती कुमारी जैसा हो नेता कैसा हो जयंती कुमारी जैसा हो जयंती जयंती जिंदाबाद जिंदाबाद।